फॉल आर्मी वार्म एक प्रकार की इल्ली है। यह जिस फसल पर लग जाती है उसको पूरी तरह से ख़राब कर देती है। यह कीट बहुभोजी कीट है एवं लगभग 80 फसलों को नुकसान पहुंचाता है, जिसमें मुख्य रूप से खाद्यान्न फसलों जैसे मक्का, ज्वार, धान, गेहूं तथा गन्ना फसल प्रमुख है। इसकी पसंदीदा फसल मक्का होती है। फॉल आर्मीवर्म की पहचान यह है कि इसका लार्वा भूरा ग्रे रंग का होता है। इस कीट के पीठ के नीचे 3 पतली सफ़ेद धारियां और सिर पर एक सफ़ेद उल्टा अंग्रेजी शब्द का भाई दिखाई देता है। इसकी 4 अवस्थाएं होती है। पहले तो अंडा बनाता है, इसी अंडे से लार्वा बनता है। यह तैयार होने में 14 से 15 दिन का समय लेता है। इसी लार्वे से प्यूपा बनता है और प्यूपा से यह पूरा वयस्क कीट बन जाता है। इसका पूरा जीवन काल 60 से 90 दिन का होता है। इसका प्रकोप लगातार बढ़ता ही जाता है। यह कीट कितना हानिकारक होता है इसका हम इस बात से समझ सकते हैं कि यह कीट एक रात में 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इस कीट की रोकथाम प्रारंभिक अवस्था में करना अत्यधिक कारगर साबित होता है। फसल में 10-15 दिनों के अंतराल में कीटनाशकों को बदल बदल कर एक निश्चित मात्रा में छिड़काव जरूर करें। इसका प्रकोप होने पर एमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर उपयोग या फ्लुवेंडामीड 400 SC 60 ml प्रति एकड़ या स्पिनोसेट 45% SC 80 ml प्रति एकड़ या थायोडिकार्ब 75% WP 400 ग्राम प्रति एकड़ या क्लोरेट्रानिप्रोल 18.5% SC 60 ml प्रति एकड़ का छिड़काव करना चाहिए। 15 से 20 दिन के अंतराल में 2 से 3 बार छिड़काव करें। इसमें से किसी एक कीटनाशक का प्रति एकड़ की दर से 150 लीटर पानी के साथ घोल बनाकर छिड़काव करें। मक्का पर पहला छिड़काव बुआई के 15 दिन में ज़रूर करें। दानेदार कीटनाशकों का उपयोग यानी 5 से 10 दाने पौधे की पोंगली में डालें। इस तरह मक्का की फसल को फॉल आर्मीवर्म से सुरक्षित रखा जा सकता है। कृषि संबंधित जानकारियों को देखने के लिए देखते रहिए किसान भाइयों का यूट्यूब चैनल जय किसान एडवाइजरी। सब्सक्राइब करना ना भूलें।